नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की, और राजनीति में सिरसा फोकस रहेगा। हरियाणा की भी बड़ी जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज सिरसा की, क्योंकि इससे पहले हम हरियाणा की खबरें सबसे पहले बताते थे, लेकिन आज सिरसा की बड़ी खबर है। और बड़ी खबर वो ये है कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, उनका आज कार्यक्रम था, रोड शो था, और सुबह करीब 11:30 बजे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से चौटाला गांव में पहुंचे थे। और उसके बाद उनका जो रोड शो है वो शुरू हुआ था। पहले डवाली के विधानसभा क्षेत्र के कई गांव के अंदर उनका रोड शो गया था, जिसकी शुरुआत चौटाला गांव से हुई थी। और उसके बाद में अबूब शहर, गंगा, कालवाना, अहमदपुर, दारेवाला, बिजूवाली, रिसालिया खेड़ा, बनवाला, खारिया, और उसके खारिया जो है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र का गांव है, और उसके बाद ओटू और मोजदीन, फिर एलनवाद विधानसभा क्षेत्र के गांव मल्लेका में उनका कार्यक्रम था, रोड शो। और यहां से एलनवाद विधानसभा क्षेत्र के ही गांव माधव सिंघाना में उनका रोड शो पहुंचा। और उसके बाद में एक बार फिर वो खारिया विधानसभा क्षेत्र, सॉरी रानिया विधानसभा क्षेत्र के जो गाँव है उसके अंदर एंट्री हुई उनकी मंगाला में, और फिर बम्भूर, यानी कि खारिया के पांच गांव के, अपने रानिया के पांच गांव में उनका आज का रोड शो था, और एलनवाद विधानसभा के दो, माधव सिंघाना और मल्लेका गांव में, और उसके बाद में सिरसा विधानसभा क्षेत्र में, सिरसा शहर के अंदर उनका कार्यक्रम था, और सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम के अंदर उनका कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से जो बातें उनकी तरफ से बोली गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से अपने संबोधन में, वो अहम थी। उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही बदमाशों व नशा तस्करों का पक्का इलाज बांध दूंगा। एक बात ये इन्होंने अहम बोली है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सिरसा की सभी सीटें कांग्रेस को जिताकर आने वाली सरकार में बड़ी जिम्मेवारी जो है साझेदारी सुनिश्चित करने का काम यहाँ के लोग करें, ऐसा उन्होंने अपील की है। तो इन जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं बीजेपी, नेलो, हलोपा और जेजेपी का गठबंधन जो है वो है, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया, और वो अब एक्सपोज हो चुका है और लोग समझ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही की वोट काटना है इनेलो, हलोपा और जेजेपी का मकसद। ये भी कहा है कि कांग्रेस का वोट काटने का काम ये है, हलोपा और जेजेपी और इनेलो की तरफ से ये काम किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार बनने पर योग्य वे पेपर के आधार पर निष्पक्ष तरीके से 2 लाख की पक्की जो है नौकरी दी जाएगी, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन यहाँ बता दें कि उनके ही 2-3 ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनके ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, और वो अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटरों को प्रलोभन दे रहे हैं कि उनकी सरकार यानी कि हुड्डा साहब की सरकार आने के बाद वो उनका जो कोटा है उस कोटे से बढ़ाकर उनके गांव में, उनके क्षेत्र में नौकरियां देंगे। यानी कि योग्यता मेरिट का कोई मायने नहीं है। एक तरह उनके जो जिस तरह से प्रत्याशी इस तरह की हरकतें बात कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, वहीं दूसरी तरफ हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम था आज का, जो कि आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, सिरसा का भी और हरियाणा का भी। इसके अलावा सिरसा के अंदर आज 1,12,00,000 रुपए के 1,470 ग्राम सोने के आभूषण और 48,90,000 की नकदी जब्त की गई है। दरअसल बता दें कि चुनाव के मद्देनज़र 50,000 रुपए से ज़्यादा की नकदी या इस नकदी के आभूषण जो है इससे ज़्यादा के वो आप कहीं लेकर नहीं जा सकते, और इसी के तहत पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी पुलिस की तरफ से जो की हुई है, और नाकेबंदी के आधार पर वो इस तरह के कई जो लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, और उनसे उनकी जो पेमेंट है वो जब्त की है। तो आपसे हम अपील करते हैं कि आप अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का लेन देन अपने साथ लेकर चलते हैं, पैसे लेकर जा रहे हैं, तो उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए, वाजिब कारण होना चाहिए कि कहाँ से आप लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर आप लेके जा रहे हैं और क्या आपका उद्देश्य है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो आज सिरसा पुलिस की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है। अब राजनीति की अगर बात करें तो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर इनेलो की तरफ से भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं आज जिस तरह से
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दो कार्यक्रम इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, तो इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस कार्यक्रम से यहाँ पर जो प्रत्याशी है भरत सिंह बेनीवाल, उनको काफ़ी हौसला और हिम्मत मिली है। तो इसके अलावा आज चार विधानसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम रहे हैं, तो सभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको एक हिम्मत देने का काम यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया जा रहा है। अब इसका फायदा जो है चुनाव के वक्त 5 तारीख को किस तरह से उठाएंगे ये प्रत्याशी, कितने लोग इनकी बातों से प्रभावित होकर इनको वोट बैंक के रूप में ये कन्वर्ट कर पाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं बात कर लेते हैं डवाली के अंदर, तो डवाली में आज कांग्रेस का ये जो कार्यक्रम था ही, इसके अलावा जेजेपी की तरफ से एक कार्यक्रम, वो ये है कि आज जेजेपी के प्रत्याशी है दिग्विजय सिंह चौटाला, उनका आज का कार्यक्रम था डवाली चर्च में, सुबह कार्यक्रम था। उसके बाद में पर्सनल प्रोग्राम थे अजय जैन के घर पे संजीव अरोड़ा अनाज मंडी में, और डॉक्टर मयूर गर्ग यहाँ पर उनके कार्यक्रम थे। उसके बाद दोपहर करीब 1:45 बजे अबूब शहर में उनके कार्यक्रम, और फिर डवाली शहर के अंदर, और रात को 8 बजे के लगभग उनका कार्यक्रम होना है, वो खुइयां मलकाना में होना है। तो ये जेजेपी की तरफ से है। वही इनेलो की तरफ से, इनेलो प्रत्याशी आदित्य चौटाला, कल उनकी रात को तबीयत खराब हो गई थी, बिगड़ गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि रात के समय में आदित्य चौटाला को पहले संगरिया में और उसके बाद में हनुमानगढ़ के हॉस्पिटल में लेकर गए थे, और उनका उपचार जो है वो फिलहाल चल रहा है। तो ये जो है आदित्य चौटाला इनेलो के जो समर्थक हैं, उनका जो है एक चिंता की बात है कि चुनाव के एन मौके पर इस तरह से उनकी तबीयत खराब हो जाना, और इसकी वजह जो है वो ये लगातार जो जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए, तो उसकी वजह से आज उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो ऐसे में हम आपसे भी अपील करते हैं, जो दर्शक हैं, तो अपने प्रत्याशी और खुद का सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चुनाव 5 तारीख को है, लेकिन उससे पहले खुद की सेहत अगर सही रहेगी तो ही हम इस पूरे जो लोकतंत्र के पर्व है इसको अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, और अपने प्रत्याशी को अच्छे वोटों से जिता पाएंगे। तो उसके लिए सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से बाहर की, यानी कि सिरसा से बाहर की। सिरसा के अंदर बड़े बड़े घटनाक्रम वो ये है ही, लेकिन इससे पहले एक बीजेपी के लिए सिरसा के अंदर ही कंवलजीत सिंह चहल एडवोकेट है, जिला सचिव बीजेपी के, आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। निजी कारण बताए हैं हालांकि, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिलाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है। तो ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय एक बार फिर यहाँ से भी बन चुका है। और अब हरियाणा के अंदर अगर बात करें, तो आज कुमारी शैलजा लगातार काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं है, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज यहाँ पर पहुँचे सिरसा में, और विशेष तौर पर चौटाला में, तब मीडिया ने बातचीत करते हुए जब उनसे सवाल किया कि कुमारी शैलजा अभी सक्रिय नहीं है, नाराज चल रही है, तो उनकी तरफ से जो रिप्लाई था वो बड़ा मायूस सा उनका सिस्टम था, चेहरा था। एक बार उन्होंने कहा कोई नाराज़ नहीं है, बाद में जब रिपीट किया गया कि भी वो लगातार काफ़ी टाइम से वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे हैं, तो उसका रिप्लाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं दिया। तो इसका मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक अब तक जो जानकारी मिल रही है वो सच्चाई है कि एक्चुअल में कुमारी शैलजा नाराज़ चल रही है, और उनको मनाने का प्रोसेस कार्य भी चल रहा है। हालांकि बीच बीच में राजनीतिक सिस्टम यही होता है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कल एक ऑफर भी किया था कि यहाँ पर अपमान हो रहा है आपका और कुमारी शैलजा को और रणदीप सुरजेवाला को, कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तो खैर ये तो एक राजनीतिक स्टंट है, लेकिन इसके अलावा आज हिसार के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि रणजीत चौटाला की बात में वजन नहीं है, अगर मैं लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होता तो हम बड़ी जीत से यहाँ का जो चुनाव है वो हम जीतते, ये बात उन्होंने आज कही है। हालांकि इससे पहले वो उनके प्रचार प्रसार में भी लगे हुए थे, लेकिन अब चौधरी रणजीत सिंह यहाँ पर रानिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं और बीजेपी को वो छोड़ चुके हैं, तब ये एक राजनीतिक बात इसको हम कह सकते हैं कि अब उनको लग रहा है कि ये जो प्रत्याशी वो मजबूत नहीं था। खैर इसके बारे में
आपका क्या कुछ कहना है वो आप कमेंट करके बता देना। लेकिन इसके अलावा तो कांग्रेस उम्मीदवारों का डिप्टी सीएम का पद का दावा है, ऐसा जो है कहा गया है। और ये कहा जिसकी तरफ से गया है वो ये है कि नीरज शर्मा और चिरंजीव शर्मा है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम पद का वो दावा करेंगे। अगर उनकी सरकार आती है, बहुमत उनको मिलता है, तो डिप्टी सीएम का पद अपने अपने जो क्षेत्र है जहाँ पर वो विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं वहाँ पर इस तरह की वो बातें अपने तरफ से अपने वोटरों को प्रलोभित करने के लिए एक हिसाब से हम कह सकते हैं। और ये इस तरह का हर एक राजनेता करता है, और इस तरह का ये राजनेता दोनों भी, उन्होंने डिप्टी सीएम का एक दावा करने की बात यहाँ पर कही है। तो ये बड़ी घटना है। और कैथल के अंदर दीपेंद्र हुड्डा के हेलीकॉप्टर पर लोग चढ़ गए थे, ड्यूटी में कोताही बरती गई और पुंडरी के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ये भी बता दें कि भीड़ भड़ाके से उड़ान भरने में भी दिक्कत उनको आ गई थी। तो ये एक बड़ी बात है और इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी वहाँ पर हुई थी। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने आज एक बार फिर ट्वीट पर एक ऐसी बात लिखी है जिससे सिरसा में गोपाल कांडा को लेकर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने लिखा है अपने एक्स पर कि अजब विचित्र गजब नज़ारा, खट्टर कहे कांडा हमारा, कांडा इनेलो को प्यारा, एक ने उम्मीदवार नहीं उतारा, दूसरा कहे गठबंधन है हमारा, ऊपर से है दोनों को इशारा, बेवकूफ बनाना काम तुम्हारा। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। तो इसके क्या मायने हैं वो आप सही तरीके से समझ सकते हैं, और इस पर आपकी क्या कुछ राय है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ के जो पाँचों विधानसभा सीटों की, जो कल मैंने समीकरण बताए थे, आज के दिन भी वो हमारा जो पर्सनल आंकड़ा है उसमें वही है कि आज के दिन एलनाबाद के अंदर काफ़ी टक्कर है कांग्रेस की और इनेलो की। रानिया के अंदर अर्जुन चौटाला जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो इन दो नंबर की अगर बात करें तो वहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह और कांग्रेस में टक्कर दो नंबर के लिए बनी हुई है, ऐसा हमारा आंकलन है। डवाली के अंदर टक्कर है, लेकिन आज के दिन अमित सिहाग थोड़ा आगे नज़र आ रहे हैं। और कालांवाली की अगर बात करें तो शिषपाल केरवाल आगे नज़र आ रहे हैं, दो नंबर पर बीजेपी है वहाँ पर। और सिरसा के अंदर कांग्रेस का प्रत्याशी है गोकुल सेतिया, वो आगे नज़र आ रहे हैं, गोपाल कांडा उनके पीछे हैं, लेकिन वो गैप कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ भी उलट फेर हो सकता है। तो ये हमने पाँचों विधानसभा सीटों की जो समीकरण है आज के मौके के वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।